जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह में भाई बहनों, प्रभु आज आपको आशीष करे। आज इस रात की प्रार्थना में आप सब के लिए एक बार फिर इस रात की प्रार्थना में आप सबको स्वागत करता हूं प्रार्थना करने के लिए। तो आज हमारे प्यारे भाई बहन, मसीह भाई बहनों के लिए आज रात की प्रार्थना है, प्रत्येक लोगों के लिए, हमारे मसीह में जितने भाई बहन हैं उन सब के लिए आज रात की प्रार्थना। तो आप लोग इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए और अपने प्रियजनों को भी आप लोग इस प्रार्थना को शेयर कीजिए। हमारी जितने मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में कष्ट के साथ दुख उठा रहे हैं, तो आज उन सब के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे और तमाम मसीह भाई बहनों को ढांढस बंधाए, तमाम मसीह भाई बहन फिर से परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ें। क्योंकि वचन में भी यही लिखा है, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो और एक दूसरे को उठाते रहो, उन्हें गिरने मत दो। तो आज रात हम हमारे प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो मसीह में हैं, उन सारे लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं और प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। तो आज का हमारा वचन इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री और 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे और उसके 17 वचन से। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। मेरे प्यारे मसीह में भाई बहनों, मैं आप सब के लिए आज रात प्रार्थना करता हूं, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए मैं आज रात प्रार्थना करता हूं। हमारे जितने मसीह में भाई बहन हैं उन सबको प्रभु आशीष और बरकत दे, उन सबको परमेश्वर अपनी आत्मा में उन्नति में प्रत्येक दिन आगे बढ़ाता रहे। और आज हर एक हमारे मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इन दिनों में निराश में हैं, जो लोग विश्वास की घटी से चल रहे हैं, जो लोग का विश्वास कम हो रहा है, जो लोग परेशानी से चल रहे हैं, ऐसे हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इन दिनों में जो कष्ट के साथ जीवन बिता रहे हैं, जो कठिनाई के साथ जीवन बिता रहे हैं, ऐसे हमारे प्रत्येक मसीह भाई बहनों के जीवन में प्रभु की आशीष आने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि निरंतर वो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, निरंतर बल और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज हमारे भाई बहन, परमेश्वर पिता, जो प्रभु इस समय कमजोर हो रहे हैं, प्रभु जो इस समय परमेश्वर अपना विश्वास खो रहे हैं, उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक मसीह में भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए और प्रभु उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता आज के दिन प्रभु उनके जीवन में अपने हाथ को बढ़ाइए और दीजिए मेरे परमेश्वर, और आज के दिन एकता के साथ प्रभु हर एक हमारे मसीह भाई बहन प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना में आगे बढ़ते रहे प्रभु और प्रार्थना करते रहें। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ वचन में प्रभु जैसा कि लिखा है, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो और एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना करते रहो। तो प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे हर एक मसीह भाई बहन में परमेश्वर उनकी उन्नति के लिए, उनके विश्वास की उन्नति के लिए, उनके परमेश्वर पिता प्रभु परिवार में उन्नति के लिए, उनके काम की उन्नति के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु। हर एक विश्वासी भाई बहन को परमेश्वर पिता आप आशीष कीजिए, हर एक भाई बहन को आशीष कीजिए, उनके घरों में, उनके जीवन में बहुताई से सामर्थ का कार्य होने पाए। मेरे पिता आपके द्वारा ही हो सकता है क्योंकि वचन में लिखा है आग पवित्र आत्मा जब जीवन में आता है सब कुछ बदल जाता है। मेरे परमेश्वर पिता आज तमाम विश्वासी भाई बहन के जीवनों को बदल दीजिए। ऊपर परमेश्वर जो श्राप बंधन इतने दिनों से परेशान में है प्रभु, उनका जीवन प्रभु बदलने पाए, वो जीवन में आशीष को देखने पाए प्रभु और कहने पाए कि मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। प्रभु आशीष कीजिए परमेश्वर, जैसा कि आपके वचन में लिखा है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, उत्साह करो, बलवंत हो,
जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रभु परमेश्वर प्रेम से एक दूसरे के साथ वो प्रभु निभाते रहें, एक दूसरे को संभालते रहें, एक दूसरे के लिए परमेश्वर पिता वो तत्परीय होकर खड़े रहें प्रभु, और प्रार्थना में परमेश्वर स्थिर होकर चलने पाएं, क्योंकि प्रभु तू आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो हमारे परमेश्वर पिता मसीह में जितने भाई बहन है उनके बीच में स्वतंत्रता आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप ही हैं प्रभु वो परमेश्वर सामर्थ में प्रभु जिन पे जो विश्वास करता है प्रभु वो परमेश्वर पिता वो प्रत्येक दिन प्रभु उसमें बढ़ता जाता है। प्रभु आज जितने लोग कमजोरी की हालत में हैं, जितने लोग परमेश्वर आज कमजोर हो रहे हैं प्रभु, मैं सबके लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, उन सबके जीवन में सामर्थ कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर, उन सबके जीवन में पवित्र आत्मा आपका कार्य होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, मेरे परमेश्वर मेरे पिता आप अद्भुत कार्य कीजिए, और प्रार्थना करता हूँ हर एक अंधकार के कार्य तेरे बेटे और बेटियों के जीवन से दूर कीजिए, क्योंकि आप ज्योति हैं प्रभु और प्रत्येक के घरों में आप प्रभु चमकिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मेरे खुदावन, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विश्वासी भाई बहन मसीह में अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं परमेश्वर मेरे पिता, और नए मनुष्यत्व को वह पहन लें, और परमेश्वर के अनुरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से प्रभु वो आगे बढ़ते रहें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वो ज्योति की संतान बन के चलने पाए परमेश्वर मेरे पिता, मेरे राजा यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ आज के दिन में प्रभु प्रत्येक लोगों के अंदर एक परमेश्वर सामर्थ को दीजिए, एक ताकत को दीजिए कि परमेश्वर पिता वो आपके ऊपर विश्वास करके और ढांढस बांध के प्रभु कमर कस के वो प्रभु चलता रहे, और प्रभु हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें प्रभु, एक दूसरे को प्रार्थना में याद करते रहें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे दिन रात, जो एक दूसरे को संभाल रहे हैं दिन रात, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं यीशु राजा आप महान कार्य कीजिए, और परमेश्वर उनके जीवन में सामर्थ को दीजिए प्रभु, और उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए परमेश्वर पिता। मेरे राजा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह, प्रार्थना ही उनके लिए एक मार्ग है प्रभु। मैं दुआ करता हूं जितने लोग इस समय प्रार्थना में कमजोर हैं प्रभु उनको आत्मिक उन्नति दीजिए, जितने लोग विश्वास में कमजोर हो रहे हैं उनके विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, जितने लोग परमेश्वर इस समय प्रभु मेरे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पीछे हट गए हैं प्रभु, उनको प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता मेरे खुदावन कि उनके जीवन में प्रभु वो निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य हो, और परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे खुदावन। तेरे वचन में लिखा है याकूब में परमेश्वर जिस प्रकार से कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर पिता रोगी बच जाता है, बहुत कुछ सामर्थ्य के कार्य होते हैं प्रभु। मैं दुआ करता हूँ जितने निराश में हैं सबको आशीष कीजिए, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु वो विश्वास में प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाएं, मजबूत बनते जाएं, और तमाम विश्वासी भाई परमेश्वर एक मन के साथ आगे बढ़ने पाए प्रभु। आशीष कीजिए आज की रात प्रभु, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो, सामर्थ कार्य हो, प्रत्येक लोगों से बातचीत कीजिए और उनको प्रभु मसीह में मजबूत बना दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, हर एक प्रार्थना योद्धा के लिए भी प्रार्थना करता हूं, उन्हें भी परमेश्वर आपकी जरूरत है प्रभु। हर एक परमेश्वर पिता इस सेवकाई को जो परमेश्वर अपने परमेश्वर मदद को भेजते हैं, सपोर्ट को भेजते हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता आशीष कीजिए और तेरे लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य हों। आज रात सबको छू लीजिए और बातचीत कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन और आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक, और जरूर प्रार्थना सुनिए अंत तक, और विश्वास रखिए प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा। कमजोर मत होइए, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे, दोपहर को 2 बजे
बजे, शाम को 7 बजे होता है। आप लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं जूम, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। प्रभु आपको आशीष करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है डिवाइन पावर मिनिस्ट्री, हमारे साथ जुड़कर आप प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हमें जरूर, और लाइक करिए ताकि प्रभु हम आपके लिए, हम आपके साथ रहें। गॉड ब्लेस यू।